Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing Classes. In this class, we are going to learn about some of the MCQs of cardiovascular system in child health nursing. So, ये हमारा MCQ series का next part आ रहा है, जिसमें हम child health nursing के MCQs करेंगे cardiovascular system के. So, सबसे पहले आपको एक brief review दे देते हैं about cardiovascular system, ताकि जो हम आगे MCQ करेंगे वो easy हो जाएगा. तो जब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द टोटल फीटल कार्डियक आउटपुट वो कितना होता है, इट इज़ 450 ml पर kg पर मिनट. ठीक है, ये याद रखना है. देन कार्डियक आउटपुट न्यूबॉर्न में कितना होता है, इट इज़ 350 ml पर kg पर मिनट. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. देन आपको याद रखना है सी, जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है, व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल सर्कुलेशन. देखो, जो हमारा ब्लड है आता है सुपीरियर वेना कावा से, बॉडी से आता है अपर बॉडी से, और इन्फीरियर वेना कावा से लोअर बॉडी से आता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, आता है हमारा राइट एट्रियम में, देन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल. देन ट्राइकस्पिड ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल. ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल से ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, डीऑक्सीजनेटेड है, वहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी से जाके ये ब्लड जाएगा हमारा कहाँ, इट गोज़ इनटू लंग्स. लंग्स में गया, वहाँ पे प्योरीफाई होगा, प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पल्मोनरी वेन से आएगा इनटू लेफ्ट एट्रियम. देन लेफ्ट एट्रियम में आके बाइकस्पिड वॉल से, बाइकस्पिड या फिर दूसरा नाम है इसका मिट्रल वॉल से जाके ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में जाके कहाँ जाएगा, बॉडी को सप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये नॉर्मल सर्कुलेशन है. और हम अभी ये पीडियाट्रिक्स का पढ़ने वाले हैं, तो अगर आपने फीटल सर्कुलेशन नहीं देखा है वीडियो, तो हमने ऑलरेडी फीटल सर्कुलेशन पे एक वीडियो डाला है, तो पहले आप वो जाके देखें. अगर आपका फीटल सर्कुलेशन है देन यू कैन कंटिन्यू हेयर. तो अभी हमने आपको बताया नॉर्मल सर्कुलेशन, तो अभी जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न. ठीक है, कौन कौन सा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़. कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ मीन्स वो हार्ट डिजीज़ जो प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ. ठीक है, बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है. तो यूजुअली जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है वो हमारा डिवाइडेड है इनटू ए साइनोटिक एंड साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़. ए साइनोटिक क्या होता है, ये वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है दैट डज नॉट कॉज साइनोसिस. ठीक है, बेबी में साइनोसिस नहीं कराएगा. साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना. और जो साइनोटिक कंजेनेटल हार्ट डिजीज होता है वो साइनोसिस कॉज कराएगा बेबी में. ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा कंडीशंस होता है. सी, सबसे पहले आता है हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है, क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मीन्स दो जो हमारा एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया, उसके बीच में अगर कोई सेप्टम रह जाता है, ठीक है, कोई ओपनिंग रह जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ आती है हमारी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. अगर हमारे दो वेंट्रिकल्स मींस राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर कोई भी सेप्टम ओपन रह जाता है, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. सी, एक होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जो फीटस में एक डक्टस आर्ट्रियोसिस होता है, फीटस में डक्टस आर्ट्रियोसिस होता है, कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड ओर्टा. ठीक है, बट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है. ठीक है, नॉर्मली क्लोज हो जाता है, लेकिन मान लो अगर प्री टर्म डिलीवरी हुई है, या कुछ केसेस में अगर ये क्लोज नहीं होता है, ओपन रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. कि जो नॉर्मली जो क्लोज हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, अब वो ओपन रह गया, तो उसको क्या बोलेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. क्लियर है ये तीन डिजीज कंडीशन. देन अब देखो और हमारा क्या आता है, और हमारा आता है लाइक ट्राइकस्पिड स्टिनोसिस होता है. ट्राइकस्पिड स्टिनोसिस में क्या होता है कि जो ये ट्राइकस्पिड वॉल है वो नैरो हो जाएगी. ठीक है, देन वी हैव पल्मोनरी स्टिनोसिस आता है, पल्मोनरी
स्टीनोसिस या फिर पल्मोनरी एट्रेशिया आते हैं कि कंजेनाइटल उस बेबी का क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो चुकी है, ठीक है। देन हमारे पास तो अभी देखते हैं कि कौन सा जो है हमारा ए साइनोटिक है और कौन सा साइनोटिक में आते हैं। ए साइनोटिक में याद रखना है वी हैव वी एस डी ए एस डी पी डी ए, तो जो ये सब है ना ये ए साइनोटिक है। ए साइनोटिक क्यों है, देखो यहाँ पे हमारा क्या था ए एस डी, यहाँ पे था वी एस डी और यहाँ था हमारा पी डी ए, ठीक है। ये क्यों इसको ए साइनोटिक बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से पल्मोनरी वेन से कैसा ब्लड आता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और ये किधर से किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड। क्यों, क्योंकि जो ये हमारे लेफ्ट साइड होती है इसकी थिक वॉल होती है, हायर मस्कुलेचर होता है, इसकी वजह से जो अगर आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है तो ब्लड जो है वो पास करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। देन ऐसे ही सेम वीएसडी में होता है, इसमें भी लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब देखो सारा इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारा, ठीक है, इधर से क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर एएसडी में चला गया देन ये राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी से जाके कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। और लंग्स से क्या होगा, प्योरीफाई होके फिर पल्मोनरी वेन में जाएगा, ठीक है। मतलब बेबी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नहीं जा रहा है ना, गंदा खून तो नहीं जा रहा, तो बेबी क्या करेगा, साइनोसिस के सिम्टम्स नहीं शो करेगा, ठीक। तो वो आ गया हमारा एएसडी ए साइनोटिक में। ऐसे ही वीएसडी में देखो, वीएसडी में नॉर्मली ब्लड पल्मोनरी वेन से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया मिट्रल वॉल से, एंड वी एस डी के थ्रू ये जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। अब क्या हो गया, यहाँ पे मिक्सिंग हो गया डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का, देन ये फिर वापस लंग्स में जाएगा, ठीक है, और प्योरीफाई होके आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेबी को नहीं जा रहा बॉडी को, तो क्या हमारा साइनोसिस नहीं दिखेगा, इसलिए इन कंडीशंस को बोलते हैं हम ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। और क्या हो गया वी एस डी, सेम पी डी एम में होता है, सेम पी डी ए में भी लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेफ्ट टू राइट क्यों जाएगा, क्योंकि जो हमारा ऑर्टा का है प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पल्मोनरी आर्टरी आफ्टर डिलीवरी, ठीक। तो पी डी ए, तो ये सब क्या हो गया हमारा ए साइनोटिक डिजीज़ हो गया, क्लियर। अब साइनोटिक में क्या आता है, अगर आपको एक वैसे याद रखना है तो टी याद रखना है, ठीक है। यूजुअली जो टी से हमारा डिजीज़ कंडीशन स्टार्ट होता है वो आता है साइनोटिक में। कौन कौन सा, वी हैव टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, देन ट्राइकस्पिड, एट्रेशिया, ठीक। देन वी हैव पल्मोनरी स्टीनोसिस या फिर पल्मोनरी एट्रेशिया, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं हमारे साइनोटिक। साइनोटिक क्यों बोलेंगे इसमें, देखो टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन टॉफ, टॉफ में जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल है इसका हाइपर ट्रॉफी होता है, देन पल्मोनरी स्टीनोसिस आता है, इसमें वीएसडी होता है। तो इसमें क्या है ना, जब पल्मोनरी स्टीनोसिस होता है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी का स्टीनोज्ड है, तो ये जो ब्लड है यहाँ नहीं जाके इसमें रिवर्सल ऑफ शंट हो जाता है, वीएसडी का राइट टू लेफ्ट शंट हो जाता है, और ये जो ब्लड है हमारा कौन सा डी, इधर से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वीएसडी से जाके ओर्टा में जाता है, मतलब यहाँ पे मिक्सिंग हो गया ब्लड का, डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया, तो बेबी को क्या सिम्टम्स दिखेंगे, साइनोसिस दिखेगा, ठीक। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, देन ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, अगर देखो ट्राइकस्पिड है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया हो गया, नैरो हो गया, तो ये जो ब्लड सुपीरियर वेना कावा से आ रहा था ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट से हमारा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और वही मिक्सिंग हो गई यहाँ पे भी ब्लड की, और फिर ये पेशेंट के ऑर्टा से बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी पेशेंट को क्या दिखेगा, साइनोसिस दिखेगा, ठीक। सेम विथ पल्मोनरी स्टेनोसिस, क्लियर है ये सब। देन लेफ्ट टू राइट शंट, अभी मैंने बताया कि जो ये होता है हमारा एएसडी वीएसडी और पीडीए, ये सब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ठीक। एएसडी वीएसडी एंड पीडीए लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है, एएसडी वीएसडी और पीडीए। देन राइट टू लेफ्ट शंट कौन सा होगा हमारा, राइट टू लेफ्ट, देखो जब भी हमारा पल्मोनरी यहाँ पे पल्मोनरी स्टीनोसिस हो गया, ठीक है, तो हमारा ये ब्लड जो है यहाँ नहा जाके ये राइट टू लेफ्ट चला जाएगा, जिसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ शंट,
ये किस में दिखेगा, रिवर्सल ऑफ शंट। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो VSD होता है वो लेफ्ट टू राइट शंट होता है, बट अगर आगे पल्मोनरी स्टिनोसिस है, ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जा ही नहीं पा रहा, तो ये कहाँ जाएगा, VSD से जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ शंट हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम आइसनमिंगर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें आपको राइट टू लेफ्ट शंट दिखेगा और आपका वही सेम कंडीशन है पल्मोनरी आर्टरी एट्रेशिया या फिर अगर पल्मोनरी स्टिनोसिस होगा तो। क्लियर है? तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा लेफ्ट टू राइट शंट है, कौन सा राइट टू लेफ्ट शंट है। नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगेमिक लंग फील्ड्स और प्लेथोरिक लंग फील्ड्स, कौन कौन सा कंडीशन होता है। सी, ओलिगेमिक लंग फील्ड्स का मतलब क्या है, अगर आपका जो लंग्स को ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो रहा है तो उन कंडीशन को बोलते हैं ओलिगेमिक लंग फील्ड्स। एंड प्लेथोरिक क्या है कि ब्लड फ्लो जो लंग्स को जा रहा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, कि ज़्यादा अमाउंट जो है अभी जा रहा है। ठीक है, सी कौन सा कंडीशन हमारा ओलिगेमिक होगा, कौन से प्लेथोरिक होगा, वो आपको लर्न करना है। ओलिगेमिक में आता है हमारा पल्मोनरी एट्रेशिया या फिर वी कैन से पल्मोनरी स्टिनोसिस, देन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। सो इन सब में क्या हो रहा है, ओलिगेमिक लंग फील्ड्स। ओलिगेमिक कैसे कि कम ब्लड जा रहा है। देखो ये पल्मोनरी हमारे अगर यहाँ पे स्टिनोसिस हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में कम ब्लड जाएगा और फिर पल्मोनरी आर्टरी से जो हमारे लंग्स में भी है वो ब्लड कम जाएगा, तो इसको इसलिए बोलते हैं ओलिगेमिक लंग फील्ड्स। ऐसे ही हमारा आता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में भी क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड है वो लंग फील्ड्स में कम जा रहा है। ठीक, देन ट्राइकस्पिड एट्रेशिया ऑल्सो, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया इनर हो गया तो इधर से कम ब्लड आएगा, देन हमारे लंग्स में कम ब्लड जाएगा, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, ओलिगेमिक लंग फील्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ रटने की नहीं, आपको हर चीज़ समझनी है। अगर एक बार आपको समझ आ गई ना तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आता है प्लेथोरिक लंग फील्ड्स। प्लेथोरिक किस में होगा, सी जो हमने पढ़ा था VSD ASD PDA इन सब में होता है प्लेथोरिक। अब बताओ प्लेथोरिक क्यों होता है, हमने पढ़ा कि जो ASD है और VSD है वो नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है ना, लेफ्ट टू राइट शंट होगा तो हमारा क्या, देखो जब भी यहाँ से ब्लड आया पल्मोनरी वेन से इधर जाएगा ब्लड हमारा कहाँ पे, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड से राइट वेंट्रिकल और इधर, मतलब ऑलरेडी राइट साइड का भी ब्लड आ रहा है प्लस लेफ्ट साइड का भी कुछ ब्लड आ रहा है, तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी में क्या, ज़्यादा ब्लड जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा ब्लड गया तो लंग्स के पास भी ज़्यादा ब्लड आएगा। क्लियर, सेम विद VSD और सेम विद PDA। क्लियर है? सो ये आपको पढ़ना है, मीन्स एसाइनोटिक साइनोटिक, लेफ्ट टू राइट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट, देन ओलिगेमिक लंग फिट्स एंड प्लेथोरिक लंग फिट्स। क्लियर? नेक्स्ट कुछ डिजीज कंडीशन जो मेन पॉइंट्स हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स मीन्स, टेट्रा मीन्स चार, इसमें चार चीज़ें मिलती है आपको नॉर्मली। सबसे पहले देखो पल्मोनरी आर्टरी का जो है स्टेनोसिस मिलेगा, सबसे पहले ये नैरो हो जाएगी। ठीक है, अब नैरो हो गई तो इतना ब्लड इसके अंदर जा नहीं पा रहा। नॉर्मली जो ब्लड सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल से हमारा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जा रहा था, अब पल्मोनरी आर्टरी स्टिनोसिस है या फिर एट्रेशिया है तो फिर यहाँ पे ब्लड जा नहीं पाएगा, तो चीज़ फर्स्ट चीज़ ये हो गई। दूसरी, अब यहाँ पे नहीं जा पा रहा तो हमारे जो राइट वेंट्रिकुलर है उसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड कहीं से तो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, VSD होता है, लार्ज VSD होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिलेगा। एंड फोर्थ इज ओवर राइडिंग ऑफ ओर्टा। क्लियर, तो ये चीज़ें याद रखनी है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में हमारा कौन सा नहीं होता, एक्सेप्ट करके आता है कि कौन सा, चार पॉइंट है, चार MCQ में, चार ऑप्शंस में आता है। क्लियर, देन इसमें जो जो मेन आपको चीज़ें याद रखनी है वो है, सबसे पहले इसमें होता है बूट शेप्ड हर्ट। अब जो बूट शेप्ड हर्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलता है इसलिए क्या होता है, यहाँ पे बूट शेप्ड हार्ट दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि किस कंडीशन में बूट शेप्ड हार्ट दिखता है, वो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। देन नेक्स्ट
टेल स्पेल और साइनोटिक स्पेल मिलता है इसमें, टेट स्पेल और साइनोटिक स्पेल मिलता है। साइनोटिक स्पेल कैसे, देखो जब भी बेबी हमारा क्राई करता है, क्राई करेगा तो ये जो पल्मोनरी हमारा स्टिनोसिस हो रहा है वो और ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बेबी को क्या होगा, डिस्पनिया होगा, है ना, डिस्पनिया होगा, और डिस्पनिया जितना ज़्यादा होगा उतना उसको साइनोसिस होगा, ठीक, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं साइनोटिक स्पेल, ठीक। नेक्स्ट, अब ये साइनोटिक स्पेल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, एक तो हम बेबी को दे दें O2, ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, अगर टेट स्पेल है या फिर साइनोटिक स्पेल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारे, O2 देंगे 100%। नेक्स्ट आता है उसको नी चेस्ट पोजीशन देंगे, नी चेस्ट पोजीशन, और वी कैन से स्क्वैटिंग पोजीशन देंगे। स्क्वैटिंग पोजीशन होता है जैसे इंडियन टॉयलेट में आप स्टूल पास करते या फिर यूरिन करते, उस टाइम पर जब बैठते हैं ना तो जो हमारे स्क्वैटिंग पोजीशन बोलते हैं उसको। अब स्क्वैटिंग पोजीशन पे पेशेंट को क्यों रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा वीनस रिटर्न था, जो वीनस रिटर्न हमारे लेग्स के पास जा रहा था वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज वीनस रिटर्न। अब वीनस रिटर्न कम हो गया तो बेबी को ज़्यादा ये ब्लड मिल पाएगा लंग्स में, जिसकी वजह से उसका साइनोसिस कम हो जाएगा। क्लियर, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के ये कुछ मेन 4 to 5 points हैं जो आपको लर्न करने ही करने हैं। नेक्स्ट आता है एक डिजीज़ हमारा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, जिसको बोलते हैं TGA, ठीक है। TGA में क्या होता है, सी जो ये पल्मोनरी आर्टरी है और जो ओर्टा है ये एक्सचेंज हो जाती है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी की जगह आपको दिखेगा ओर्टा और ओर्टा की जगह आपको दिखेगा पल्मोनरी आर्टरी। अब इसमें क्या होगा, सी नॉर्मली जो ब्लड हमारा सुपीरियर वेना कावा से आ रहा था राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो ट्राइकस्पिड वॉल को क्रॉस करके आ रहा था ये राइट वेंट्रिकल में, है ना, और राइट वेंट्रिकल से जा रहा था हमारा पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन अब ये कहाँ जा रहा है, ओर्टा। अब ओर्टा कहाँ सप्लाई करेगी, बॉडी में, ठीक है, और फिर इन्फीरियर वेना कावा और यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से फिर से ब्लड इसी में आ जाएगा, है ना, बॉडी में गया और बॉडी से वापस आ गया, ऐसे के ऐसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड वापस आ गया, ठीक। और नेक्स्ट हमारा जैसे अगर फिर यहाँ से नॉर्मली क्या होता था, लंग से पल्मोनरी वेन में आता था, अब जो पल्मोनरी वेन से आता था वो लेफ्ट एट्रियम से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके ओर्टा में ब्लड बॉडी में सप्लाई हो जाता, बट अब TGA में क्या होगा, वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है, फिर लंग्स में जाके प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड फिर से पल्मोनरी वेन में चला गया, मतलब इसमें जो राइट साइड का वो राइट साइड ही घूमे जा रहा है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में ही घूमे जा रहा है, कोई इसमें प्योरीफिकेशन नहीं हो रहा, डीऑक्सीजनेटेड घूमे जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड घूमे जा रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं हम पैरेलल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, बेबी का डेथ हो जाएगा इमिडिएटली, है ना। तो क्वेश्चन बनता है हमारा कि मोस्ट कॉमन कौन से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है विच सीन ऑन डे वन पे, अगर साइनोटिक डिजीज है वो कौन सी सस्पेक्ट कर सकते हो आप, दैट इज TGA, क्योंकि बेबी को देखो जो बॉडी में वो पूरा क्या मिल रहा है, पूरा बॉडी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जा रहा है, जिसकी वजह से साइनोसिस दिखता है और डे वन पे ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब मेन क्वेश्चन जो आता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस पे वो आता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या पढ़ा था हमने, कि जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड ओर्टा, ठीक है, और ओर्टा भी कौन सा, डिसेंडिंग ओर्टा, क्लियर। सो अब मान लो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि डक्टस आर्टरियोसिस होता है फिटल लाइफ में, और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी वो जो है क्लोज हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर जिन चाइल्ड में हमारे ये क्लोज नहीं हो पाता उसको हम बोलते हैं PDA, ठीक है। अब क्लोज करना है, PDA हमारा मोस्टली किस में रहता है, प्री मेच्योर बेबी में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस मिलता है। अब मान लो मुझे ये क्लोज करना है, अब खुला तो नहीं रख सकते ना हम उसको, तो मुझे वो क्लोज करना है, तो मैं क्या दूंगी पेशेंट को, आई विल गिव इब्यूप्रोफेन और आई कैन गिव इंडोमिथासिन और आई कैन गिव PCM। तो जो बेस्ट ऑप्शन आता है वो आता है इब्यूप्रोफेन, और वो भी कौन सा, ओरल इब्यूप्रोफेन, क्लियर।
अब मान लो किसी कंडीशन में हमें पीडीए ओपन रखना है, ठीक है। ओपन जैसे हमें रखना होता है अपना किसी जो डक डिपेंडेंट होता है ना, जो डक डिपेंडेंट कंडीशंस होता है उनमें हमें किसी किसी कंडीशंस में ये ओपन रखना होता है, तो उसके लिए हम क्या देंगे, उसमें देंगे पी जी ई वन एनालॉग, ठीक है। अगर पी जी ई वन एनालॉग देंगे तो वो ओपन रहेगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको लर्न करके रखना है। नेक्स्ट आता है जो मोस्ट कॉमन पे हमारे क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सा है। मोस्ट कॉमन मतलब आपसे यहाँ ए साइनोटिक नहीं पूछा, साइनोटिक नहीं पूछा, तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, वो होता है वी एस डी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, ए साइनोटिक भी हमारा होता है वी एस डी, क्योंकि वी एस डी क्या है, ए साइनोटिक कंडीशन है। तो ए साइनोटिक या फिर आपको ओवरऑल पूछे कि कौन सा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन है, तो वो है वी एस डी। नेक्स्ट आता है अगर मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज पूछते ऑन डे वन, सी एक है साइनोटिक पूछते हैं सिर्फ, और अगर डे वन पे पूछते हैं तो टी जी ए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, एंड कंजेनाइटल साइनोटिक पूछते हैं तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। और